भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इससे अब कोई अछूता नहीं बचा है। चाहे मुख्यमंत्री निवास हो या मंत्रियों के बंगले हो या आमजन हो, हर कोई कोरोना से पीड़ित होता जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए राजनीति से परे हटकर कार्य करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन की सख्त आवश्यकता नजर आ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए 15 दिनों का प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की अपील मुख्यमंत्री से प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने के द्वारा की गई है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से करबद्ध निवेदन करता हूं, विनम्र अपील करता हूं कि प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन किया है, उन पर विश्वास व्यक्त किया है। आप प्रदेश के हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं। इस संकट की घड़ी में आप किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, आप प्रदेश के एक एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री और मुखिया हैं। इसलिए मैं आपसे सनम्र अपील करता हूं कि इस प्रदेश के हर नागरिक की जान को बचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। ये कोरोना संक्रमण जिस तेजी से इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, लोगों की जान लेते जा रहा है, ना तो मंत्रालय सुरक्षित है, ना मुख्यमंत्री मंत्रीगण के बंगले सुरक्षित हैं, ना प्रदेश के अस्पताल सुरक्षित हैं, ना सरकारी कार्यालय पुलिस थाने सुरक्षित हैं। ऐसी परिस्थिति में इसका निदान करना, इसका हल निकालना आपकी महती जिम्मेदारी है भूपेश जी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, हमने 3 लॉकडाउन उस समय इस प्रदेश की जनता ने सहर्ष माना, सहर्ष स्वीकार किया। अब उतार दीजिए राजनीतिक चश्मे को, उतार दीजिए राजनीतिक विद्वेष को, उतार दीजिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को और छोड़ दीजिए सारे राजनीतिक कार्यक्रमों को। अब एक ही काम करिए कि इस प्रदेश की जनता के जान को बचाने की भरसक कोशिश करिए, हर व्यक्ति की जान बच जाए। इसके लिए भले 15 दिन पूरे प्रदेश को फिर से बंद करना पड़े, लॉकडाउन लगाना पड़े, लॉकडाउन लगा दीजिए, सभी गतिविधियां बंद कर दीजिए, सबको घरों में बंद कर दीजिए और एक बार फिर से प्रयोग करके देखिए लॉकडाउन का, सारी गतिविधियों को बंद करने का, शराब दुकान से लेकर सारी दुकानें, सारा व्यापार, सारे रास्ते सबको बंद कर दिए, जनहित में, जनता के जान के हित में एक बार निर्णय ले लीजिए। ठीक है, फिर सुधर जाएगी अर्थव्यवस्था, फिर सुधार लेंगे सब कुछ। जान है तो जहान है, यदि जान ही नहीं रहेगी तो शराब क्या करेंगे, जान नहीं रहेगी तो दुकान क्या करेंगे, जान नहीं रहेगी तो सरकारी कार्यालय क्या करेंगे, नौकरियां क्या करेंगे, परिवार क्या करेगा। इसलिए आपसे विनम्र पुनः निवेदन करता हूं कि एक बार मेरी व्यक्तिगत अपील को स्वीकार करते हुए पुनः एक बार प्रदेश में कड़ा लॉकडाउन लगाइए, व्यवस्था सुधारिए, लोगों की जान बचाइए।